दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद शमी को खतरनाक तेज गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मोहम्मद शमी को भारतीय सरकार ने दिया अर्जुन अवार्ड, तो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को वर्ल्ड कप के बेहतर प्रदर्शन करने के लिए भारतीय सरकार ने अर्जुन अवार्ड देकर सम्मानित किया, जिसको देख ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खुश हुए। इस बीच एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्डिंग से लेकर शेन वॉटसन, एरॉन फिंच ने मोहम्मद शमी की तारीफ करते हुए एक ऐसा दिल जीत लेने वाला बयान जारी किया है जिसको सुनकर आपके भी दिल खुश हो जाएगा। तो आखिरकार मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने क्या बयान जारी किया, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह में कौन है महान गेंदबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, वनडे वर्ल्ड कप 2023 की भारतीय 30 है। बेशक न जीती हो, लेकिन भारत के टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने सभी को प्रभावित किया है। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद शमी ने शानदार प्रदर्शन कर टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। इस दौरान उन्होंने मात्र 8 मैच के अंदर 24 विकेट हासिल किए, क्योंकि हार्दिक पांड्या के चोटिल होने के बाद इनको प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला था। ऐसे में मोहम्मद शमी को जैसे ही मौका मिला, उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी कर वर्ल्ड कप में अलग जान डाल दी, और इसी के चलते BCCI और भारत सरकार ने मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड देने का फैसला किया। जहां मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड मिलता देख हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है, इस बीच ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने बड़ा बयान जारी किया है, जिसमें एडम गिलक्रिस्ट ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय सरकार ने मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड देकर काफी सही फैसला लिया है। अर्जुन अवार्ड देकर मोहम्मद शमी को सम्मानित किया गया है, जो BCCI के साथ भारत का सबसे बेहतरीन फैसला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मोहम्मद शमी से बेहतरीन प्रदर्शन इस वर्ल्ड कप में किसी और खिलाड़ी ने किया है। हालांकि इस वर्ल्ड कप को भारतीय टीम नहीं जीत पाए, लेकिन भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद शमी ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारत की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन मोहम्मद शमी जैसा प्रदर्शन कर पाना शायद मुश्किल है। ऐसे में उनको दिए गए सम्मान को देख मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। तो वहीं रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय सरकार ने मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड देकर काफी सही फैसला किया है। अर्जुन अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है जिसके जरिए आप क्रिकेट को काफी ज्यादा बेहतर तरीके से फैला सकते हैं। मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड देने का फैसला बिल्कुल सही है। मेरा मानना है कि मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड देकर BCCI ने काफी सही किया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि मोहम्मद शमी ने इस पूरे टूर्नामेंट में सभी को प्रभावित कर रखा है। उन्होंने बता दिया कि कैसे आप बेहतर प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित कर सकते हैं, और उनके जैसा प्रदर्शन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में मोहम्मद शमी के प्रदर्शन को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। तो वहीं शेन वॉटसन ने एक बयान देते हुए कहा है कि मोहम्मद को सभी ने इस साल काफी ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेलता हुआ देखा है। हालांकि वर्ल्ड कप के अंदर भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन भारतीय टीम सिर्फ एक दिन खराब प्रदर्शन करने के कारण वर्ल्ड कप को नहीं जीत पाए। लेकिन मोहम्मद शमी ने जिस प्रकार से बेहतर प्रदर्शन किया था, उसकी तारीफ होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि मोहम्मद शमी के जैसा प्रदर्शन करना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान कार्य नहीं है। ऐसे में मोहम्मद शमी को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया, जिसको देख मैं काफी ज्यादा खुश हूं, और मैं चाहता हूं कि हर क्रिकेट बोर्ड इसी तरीके से अर्जुन अवार्ड को देकर अपने खिलाड़ियों का सम्मान करता हुआ दिखाई दे। तो वहीं एरॉन फिंच ने बयान देते हुए कहा है कि मोहम्मद शमी ने पूरे साल में काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया था। मोहम्मद शमी को अनुज अवार्ड देकर भारत की सरकार और BCCI ने काफी बेहतर एग्जाम्पल सेट किया है, क्योंकि मोहम्मद शमी ने व्यक्तिगत काफी ज्यादा परेशानी का सामना किया है, इसलिए उनके अपने खेल के जरिए बता दिया कि व्यक्तिगत कर्म को वो प्रोफेशनल कार्य में नहीं लाते। इसके अलावा उन्होंने अगले बयान देते हुए कहा कि मोहम्मद शमी ने सभी को प्रभावित करते हुए अपने सभी आपको इस काबिल बनाया है कि वो आज इस अवार्ड के योग्य बन पाए। मोहम्मद शमी ने अर्जुन अवार्ड देकर BCCI और भारत की सरकार ने तब काफी सही किया है, और मेरा मानना है कि ऐसा ही आगे भी खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड देकर उनके खेल का सम्मान बढ़ाया जाए। मोहम्मद शमी को मिला अर्जुन अवार्ड तो भड़क उठी पत्नी हसीन जहां। मोहम्मद शमी और भारत सरकार को लेकर दिया दिल दहला देने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के महान तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को भारतीय सरकार ने अर्जुन अवार्ड दिया है, जिसको देखकर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां भड़क उठी है।
इस दौरान उन्होंने भारतीय सरकार के साथ मोहम्मद शमी को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए एक ऐसा भड़काऊ बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। तो आखिरकार मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड मिलने के साथ उनकी पत्नी हसीन जहां ने कौन सा भड़काऊ बयान जारी किया है तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह में कौन है सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2023 को अपने नाम नहीं कर पाए, लेकिन लगातार 10 मैच में जीत दर्ज करने के साथ फाइनल में अपनी जगह कायम की और भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन के दम पर सभी को प्रभावित किया है। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद शमी ने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा विकेट लिए। इसके बाद उनकी हर कोई तारीफ कर रहा है। मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप के अंदर पूरे मैच नहीं खेले, लेकिन मात्र 7 मैच खेलते हुए उन्होंने 23 विकेट हासिल किया, जिसके कारण उनकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। ऐसे में अब मोहम्मद शमी के बेहतर प्रदर्शन करने के कारण भारतीय सरकार ने अर्जुन अवार्ड देने का ऐलान किया, जिसके चलते राष्ट्रपति ने हाल ही में मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड दिया है, जिसकी तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। ऐसे में मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड मिलने के बाद मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने भड़काऊ बयान जारी कर दिया है। दरअसल मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने बयान देते हुए कहा कि भारत की टीम वर्ल्ड कप 2023 को अपने नाम नहीं कर पाई थी, लेकिन भारतीय टीम का प्रदर्शन वास्तव में शानदार रहा था। हालांकि भारतीय टीम की तरफ से कुछ खिलाड़ी उम्मीद से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, लेकिन भारत के महान गेंदबाज मोहम्मद शमी ने जिस प्रकार से शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाया था, उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से मोहम्मद शमी को आप अर्जुन अवार्ड दे रहे हैं वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि अर्जुन अवार्ड आप सिर्फ उनसे बेहतर प्रदर्शन के दम पर नहीं दे सकते, बल्कि आपको अर्जुन अवार्ड किसी के व्यवहार को देखकर भी देना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है मोहम्मद शमी बेहतरीन क्रिकेटर है, लेकिन मोहम्मद शमी जैसा बदतमीज और खराब व्यक्तित्व वाला इंसान मेरी नजर में कोई भी नहीं है। ऐसे में उनको अर्जुन अवार्ड देने का फैसला काफी ज्यादा गलत है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि अर्जुन अवार्ड आप किसी सिर्फ खिलाड़ी से बेहतर प्रदर्शन को देखकर नहीं बल्कि उनके बेहतर व्यक्तित्व को देखकर देते हैं। ऐसे में अगर मोहम्मद शमी को आप सिर्फ और सिर्फ बेहतर प्रदर्शन के दम पर अर्जुन अवार्ड देना चाहते हैं तो टीम के अंदर कहीं और ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जिन्होंने मोहम्मद शमी से बेहतर प्रदर्शन किया है। आप सिर्फ टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उनको अवार्ड नहीं दे सकते। आपके पूरे साल के अंदर खेलने वाले सभी खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन को देखकर किसी बेहतर व्यक्तित्व वाले खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड देना चाहिए। हालांकि मोहम्मद शमी ने टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन उनके चरित्र को देखकर आपको अर्जुन अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि अवार्ड एक ऐसे इंसान को जाना चाहिए जो वास्तविकता में इसका हकदार हो, और मेरे अनुसार मोहम्मद शमी अर्जुन अवार्ड के लिए दावेदार के रूप में बिल्कुल भी हकदार दिखाई नहीं दे रहे। दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और रिंकू सिंह को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ पहले T20 मैच में आया विराट कोहली, रोहित शर्मा और रिंकू सिंह का तूफान। जी हाँ दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच आज एक रोमांचक T20 मैच खेला गया। इस मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा की तूफानी पारी के बाद रिंकू सिंह ने अपने तूफानी दर्शन के दम पर अंतिम ओवर में तहलका मचाते हुए भारत को ऐसी जीत दिलाई जिसकी कल्पना कर पाना मुश्किल था। तो आखिरकार अफगानिस्तान के खिलाफ विराट कोहली, रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने तूफानी प्रदर्शन कर भारत को किस प्रकार से जीत दिलाई, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में इस रोमांचक मैच की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और रिंकू सिंह में से कौन है भारतीय टीम का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।